आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब पुलिस की तरफ से गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब जम्मू कश्मीर बॉर्डर के लखनपुर में नाका लगाया गया था, जहां पुलिस की तरफ से एक ट्रक को चेकिंग के लिए रोका गया तो उस ट्रक में 3 आतंकी सवार थे जिन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया। और बाद दोपहर पुलिस की तरफ से प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि यह तीनों आतंकी पंजाब के पटियाला से 4 AK-56, 2 AK-47 व 6 मैगजीन वे 180 कारतूस अपने साथ लेकर जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे थे। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए कठुआ के SSP श्रीधर पाटिल ने बताया कि इस ट्रक को गुप्त सूचना के आधार पर रोका गया था और चेकिंग के दौरान इन तीनों आतंकियों से यह हथियार बरामद हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि तीनों की पहचान साबिल अहमद बाबा, जहांगीर अहमद, उबैद उल इस्लाम जम्मू कश्मीर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि इन लोगों का सरगना जैश ए मोहम्मद है, जिनके ऊपर मामला दर्ज कर आगे जांच शुरू कर दी गई है। आज सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के तहत हमने एक ट्रक नंबर JK-13E-2000 जो कि पुलवामा में रजिस्टर्ड है, उस ट्रक को लखनपुर में सर्च करते टाइम 3 लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया है, जिनके नाम सबील अहमद बाबा सना गुलाम हसन बाबा आगलर कंडी पुलवामा, जहांगीर अहमद सना मोहम्मद अब्दुल्ला परे पखरपुरा बडगांव, और उबैदुल इस्लाम सना गुलाम मोहम्मद शाह आगलर कंडी पुलवामा। इन 3 लोगों को हमने गिरफ्त में ले लिया है, उनकी पूछताछ चल रही है और साथ ही साथ ट्रक की सर्च चल रही है। ट्रक की जो इनिशियल सर्च हमने कंडक्ट की है, उस सर्च में हमें अभी तक 6 वेपन, 180 एम्यूनिशन राउंड्स और 6 मैगजीन्स मिले हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, उन लोगों का ताल्लुक प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद के साथ है। ये जो ट्रक है ये पंजाब से जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली की तरफ जा रहा था और जाते टाइम रास्ते में इसको रोक के हमने सर्च की है और ये जो कामयाबी है ये हमारे हाथ लगी है। हथियारों का जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन के बारे में अभी इतने कम टाइम में बताना मुश्किल है, हमें इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। इतना अभी बता सकते हैं कि पंजाब की तरफ से ये ट्रक आ रहा था तो उसका जो सोर्स है वो पंजाब या उसके पीछे कहीं हो सकता है। ये क्रॉस बॉर्डर है या क्या है इसके बारे में अभी कमेंट करना मुमकिन नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा टाइम। किस तरह का हथियार था उसके बारे में जो हमें हथियार मिले हैं, इसमें 4 AK-56 और 2 AK-47 वेपन्स, ऑटोमेटिक वेपन्स मिले हैं जो कि बैंड है टू बी पजेस्ड बाय एनी वन। जो ये 3 लोग मिले हैं, इनकी तीनों की इलीगल पोजीशन में ये वेपन मिले हुए हैं, तो इसीलिए इसको आगे हमने कार्रवाई की। पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।